वहीं हरियाणा में यूके स्ट्रेन के 260 नए मामले सामने आए हैं। इसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने बताया कि यूके स्ट्रेन की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को कुंभ मेले से आ रहे यात्रियों की बॉर्डर पर टेस्टिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अधिकारियों की बुलाई गई बैठक में क्या निर्देश दिए गए, इस बारे में खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह से। हरियाणा में यूके स्ट्रेन के कितने मामले आए हैं इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह, इनसे जानते हैं। हमारे पास परसों शाम को रिपोर्ट आई है। हमने 340 सैंपल भेजे थे जिसमें से 260 यूके स्ट्रेन के हैं। ज़्यादातर रेजिडेंट्स गुरुग्राम और फरीदाबाद के हैं, उनको ट्रेस करने की हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इससे पहले जो हमने भेजे थे 6 केसेस भेजे थे, जिसमें से भेजे तो हमने 25 थे, जिसमें 5 यूके स्ट्रेन के थे, एक फरीदाबाद का था और एक करनाल का था और बाकी गुरुग्राम के, और एक रोपड़ से था, वो तो ट्रेस नहीं हो पाए। बट इनका हमें सफलता मिल रही है और इनके जहाँ जहाँ कांटेक्ट हुए हैं वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। मैडम, आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक ली है और उसमें यूके स्ट्रेन को भी लेकर कोई चर्चा हुई है या कोई इसको लेकर आगे स्टेप उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? आज बड़ी बहुत अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग रही, जहाँ इट वॉज चेयर्ड बाय वर्दी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, और उन्होंने हर पहलू पे इसका जायज़ा लिया। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वो चेक किया पूरे स्टेट में और कैसे हर जगह अवेलेबल कराए, शॉर्टेज ना हो, और अगर पर्याप्त हो के अगर कुछ बचती है तो उन्होंने बहुत फिराक दिली दिखाई है कि और राज्यों को चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन पहले हमारी कंडीशन पूरी हो। फिर उसके बाद उन्होंने रेमडेसिविर का और टॉसिलूमैब का उन्होंने जायज़ा लिया, हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है। उन्होंने हिदायतें दी कि जो लोग इसके जो वो कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उन पे पुलिस प्लस ड्रग कंट्रोलर्स बहुत हैवीली आए, सो दैट दे डोंट ओवरचार्ज द पीपल। प्लस ही वॉज वेरी कंसर्न्ड कि कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं मरीजों से उसका फ़ायदा उठा के, तो वो भी उन्होंने बोला है कि सबसे पहले आप अपनी गवर्नमेंट फैसिलिटी को यूज़ करो और लास्ट ऑप्शन पेशेंट को देना है बाहर भेजने के लिए। दूसरा उन्होंने बोला रेफरल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करो और होम क्वारंटाइन, जो लगभग 30,000 है आज के दिन हरियाणा में, 28,000 से 30,000, तो उन्होंने उनका होम क्वारंटाइन किट बनाने को बोला है। ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक बुकलेट भी है, मेडिसिंस भी है, और उन्होंने आदेश दिए हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर भी उसमें डालना है, और हमने 35,000 पल्स ऑक्सीमीटर का डिमांड भी रेज कर दी है, जो कि बहुत बड़ा कदम है। एक पल्स ऑक्सीमीटर 450 रुपये का आता है और यूज़ करके पेशेंट्स को बोला जाएगा कि वो उसको वापस रिटर्न कर दें ऑन रिटर्नेबल बेसिस। तो ये वाला किट उन्होंने बोला है कि तैयार करके मुझे दिखाना भी है और इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट भी करें। तीसरा, अब क्योंकि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उन्होंने अल्टरनेटिव हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए बोला है, जिसमें आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, इंटर्न्स, अगर मेडिकल कॉलेज है तो इंटर्न्स एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उनको भी हम यूज़ करके टीम गठित करके और उनका ट्रीटमेंट कराएं। और उन्होंने आज एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जो फार्मर्स एजिटेशन है जिन पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे टेस्टिंग भी करना है और उनको वैक्सीनेशन भी देना है, तो हम काफ़ी कैंप्स वहाँ पे लगाएंगे और किट्स पहुँचाई जा रही है, वैक्सीनेशन हर किसी को लगाया जाएगा। और एक और स्टेप उन्होंने जो सजेस्ट किया है कि जो कुंभ से लौट रहे हैं लोग, तो जो हमारे बॉर्डर्स हैं सोनीपत,
करनाल, पानीपत एंड कालाम, ये वाले कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं, वहाँ पे बॉर्डर पे टेस्टिंग करेंगे। तो एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे, तो ये टेस्टिंग करेंगे दिट शुड कंटेन। बाकी वो सेटिस्फाइड थे कि हमारी अरेंजमेंट्स हर तरीके से पूरी है। मैडम, जो यूके का स्ट्रेन हरियाणा में पैर पसार रहा है, क्या इसकी वजह से भी हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली ये जो स्ट्रेन है इसका बिल्कुल हम नया रूप देख रहे हैं। एक तो अफेक्ट बहुत जल्दी कर रहा है और बहुत सारे लोगों को कर रहा है और बड़े कम समय में कर रहा है, तो तीनों तरीके से मार दे रहा है। डेफिनेटली पिछले अगर पीक था पिछले साल तो मैक्सिमम 24,000 केसेस, ज़्यादा कभी नहीं हुए थे, बट आज के दिन आप देखिए से डबल द अमाउंट है। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेन अपना असर तो बहुत व्यापक रूप से नज़र आ रहा है। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह। इन्होंने कहा है कि यूके का स्ट्रेन हरियाणा में पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अधिकारियों के साथ बैठक थी, उसमें कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।